तो ये देखो, जिस जगह पर हम ऊपर से दिखाई दिखा रहे थे ना आपको, वो नीचे से कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो भाई वेलकम अगेन। ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि तीसरा व्लॉग है या चौथा व्लॉग है यहाँ का। तो भाई मज़ा आ रहा है, बर्फ़ स्नोफॉल अच्छी खासी हो रखी है, बहुत तेज़ चमक रही है और यहाँ पर तो कुछ अच्छा ही हो रखा है यार। तो अपने साथ में SB पहाड़ी है और SB पहाड़ी का दोस्त जो कि यहाँ पे गाइड का काम कर रहा है, जैसे कि मैंने इससे पहली वाली वीडियोज़ में ही बताया होगा। तो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पर, उस वाले पीक पर। तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से हिमालय भी अच्छा खासा दिखेगा और थोड़ा फोटो भी क्लिक कराएंगे भाई। और यहाँ पर देखो यार, स्नोफॉल स्नोफॉल ही स्नोफॉल, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। अपना तो मन कर रहा है कि बस टेंट लगा और यहीं पर हो, पर ये है ना कि यार अभी हम अपने साथ में इतना खाना पीने का सामान भी नहीं लेके आए, लेकिन देखते हैं। सोचा नहीं था इतना होगा। हाँ इतना होगा बिल्कुल। तो जैसे जैसे ऊपर को चढ़ रहे वैसे वैसे बर्फ़ देखने को मिल रही है भाई, बहुत। क्या वो कंघी? दरअसल ये कंघी ना बालम लाया। तो बालम भाई, मेरे बाल टोपी से थोड़ा इधर उधर हो गए थे। हाँ। तो बालम भाई क्या नाम बताया था आपने असली? नहीं, मेरा नाम बालम भाई है। और दूसरा नाम क्या कहते? सूर्या। सूर्या बिस्ट भाई, सूर्या बिस्ट इंस्टाग्राम। और बोला अपना नाम है, हर किसी को सूर्या बिस्ट बताता है। मैंने कहा यार सूर्या बिस्ट मत बोला कर, अगर कोई पूछता है तो ऐसे बोला कर तुम्हारा बालम। दोस्तों ना, अरे यार अगर आपको वो भयंकर देख लो, काफी यार वो देखो यार, वहां से मतलब हिमालय क्या दिख रहा है भाई। जब यहां से दिख रहा है ऐसे तो वहां से कैसा होगा? उस पत्थर से तो अलग ही लेवल आएगा ना वहां से। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं उस चोटी पर जरूर जाऊंगा, वो हिमालय की। हाँ चलो भाई, कोशिश करूंगा मैं। चलो ठीक है, हमें भी बुला लेना। ओके भाई। और दोस्त हो गए पक्के वाले। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है एकदम। तो ये देखो यहाँ पर कितना स्नोफॉल हो रखा है भाई, मजा आ रहा है यार इस साल का। क्या बोले तो भाई SB पहाड़ी लगा है खेल करने पे। भाई जाने का मन नहीं कर रहा है यार, तो कसम से मेरा तो झूमने का मन कर रहा है। पर आगे जाना पड़ेगा क्योंकि और अच्छी अच्छी जगह भी तो दिखानी है आप लोगों को। तो अपने अंकिता कोदिया बगड़ की साइड को चलते हैं और आप लोगों को भी लेकर जाते हैं भाई। हाँ, पहली बार आप लोग देखेंगे अंकिता के चैनल पे कोदिया बगड़, जहाँ की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशवर कांड के महानायक की समाधि है। ये देखो यार, मतलब क्या जगह है भाई। ये देखो यार, और धूप भी लग रखी है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ भाई, मतलब खाने को लगा है। मेरे को तो जुखाम भी हो रहा है अंकिता। अच्छा और मैंने ना बर्फ भी खा ली और गले में थोड़ा खराच 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 आ रही है। नहीं खा रहा यार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ना हम अंकिता से बिंदेश्वर में नहीं मिलते तो आज ये ट्रैक सफल नहीं होता। हम अंकिता से ना बिंदेश्वर में मिले थे रात के समय पे, उस टाइम मैंने शूट नहीं किया था, जो कि मैंने आपको बिनसर महादेव के नाम से बताया था। हाँ बिनसर महादेव के नाम से हम मिले थे अंकिता से बिंदेश्वर में, तो वहीं से थोड़ी बात की। और ये देखो, और भाई साहब वाह यार, मेरा ना झूमने का मन कर रहा है। तो भाई जितना आगे को जा रहे हो उतना अच्छा अच्छा देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर। और यार मन तो बहुत ही खुश है, थकावट की नामो निशान नहीं है, बस मजा आ रहा है यहाँ पे जाने में। तो एक बार चलते हैं आगे को। वहां पर भाई पानी जमा हुआ नीचे और ऐसा पेंसिल की तरह नोकीला हो रहा है। हाँ, ये तो है। तो भाई क्या ही बोले, मतलब यार एक और जगह ऐसी मिल गई है जहाँ पर बहुत ही अच्छा स्नोफॉल हो रखा है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, इसका आपको मैं सिनेमैटिक भी दिखा दूंगा एक, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत आ रखा है और ऊपर को देखो सन कितना अच्छा चमक रहा है। और वहीं अगर नीचे को देखते हैं तो नीचे को भी अच्छा खासा स्नोफॉल हो रखा है इस एरिया में।
तो अभी ऐसा करते हैं, आगे को चलते हैं और आगे को दिखाते हैं आपको, क्योंकि हमें एक व्यू पॉइंट पर पहुंचना है, वहां पर काफ़ी अच्छा है यार। मगर यहां से तो वहां पर हिमालय ऐसा दिख रहा है, जब इतनी नज़दीक यहां से दिख रहा तो वहां से कितना अच्छा दिखेगा, है ना। तो वहां पर पहुंचते एक बार। तो भाई ठंड बहुत तेज़ लगना शुरू हो गया है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी, अब हाथ और कानों पर ज़्यादा तेज़ लग रही है यहाँ पर ठंड। और ये देखो एक और जगह आ गई, तो अभी हम वहां पर जाने वाले हैं ऊपर उस चोटी में, उस चोटी के रास्ते जाएंगे हम, तो वहां से भी काफी अच्छा दिखेगा। जो सूखा सूखा चोटी नहीं दिख रही, हाँ हाँ, उसी के मतलब मैदान में ही वीरचंद्र सिंह की समाधि। अच्छा, तो भाई उसी साइड में है वीरचंद्र सिंह जी की समाधि, तो इसका मतलब यही फिर जीरो पॉइंट है ना, और यहीं से 180 डिग्री हिमालय भी दिखता है फिर तो। हाँ, अरे दादा, अरे मैंने बोला क्या आ गया ये। हाँ, जंगली मुर्गियाँ हैं काफी सारी। नहीं यार, जंगली मुर्गी नहीं, ये वो है, क्या कहते हैं, चीड़ कहते हैं शायद इसको। ना ना, जंगली मुर्गी आई। अच्छा, तो वहाँ से उड़ के आई जंगली मुर्गी इस साइड में, और भाई आवाज कैसे करी उसने, अजीब सी। अरे भाई, तो ये देखो फिर से भाई, कितनी बढ़िया जगह है यार। हैरी भाई देख रहे होंगे मुझे, और हैरी भाई भाई बहुत सोच रहे होंगे कि यार मिस कर दिया भाई। सच में मिस कर दिया हैरी भाई तुमने। तो भाई जगह बहुत बढ़िया है, आगे चल के जब सावन का महीना होता है बोला, उस टाइम पे बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, और लोग भी होते हैं, तो उस टाइम पे आएंगे यहाँ पे साथ में ना फिर से। मैंने यहाँ का व्लॉग पहले भी बना रखा है, ये देखो ऊपर को और इधर। तो भाई अब काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, और स्नोफॉल यहाँ पे ख़त्म होगा, मतलब इससे आगे को ऊपर को स्नोफॉल नहीं है, वहाँ से फिर सीधा हिमालय दिखेगा। स्नोफॉल सिर्फ इसी तरफ को था, और अभी हम ऊपर को जाने वाले उस साइड में, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मतलब एक व्यू पॉइंट है जो मैं पत्थर की बात कर रहा था, तो वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा, और वहाँ से दिखाने वाले, वहाँ से मतलब हिमालय ना 180 डिग्री पे दिखाई देगा, और काफ़ी नज़दीक दिखाई देगा। तो भाई थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि फिसलना नहीं है यहाँ पे भाई। तो ऑलमोस्ट स्नोफॉल ना वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बस वहाँ पे दिखाई दे रही आखिरी, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं है स्नोफॉल। और यहाँ पर एक छोटी सी पानी का स्रोत आ गया है, छोटा सा बिल्कुल, मतलब यार यहाँ पे आते हो ना तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है भाई, जहाँ पर जाओ आपको पानी मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से ऊपर को सूखा शुरू है। तो भाई फिर से एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पर एक घर बने हुए हैं, यानी गौशालाएँ बनी हैं। तो भाई जस्ट थिंक अबाउट दैट कि यार यहाँ पर लोग रहते हैं इन जगहों पर, इस हसीन वादियों में भाई, कितना सुंदर है देखो। और लोगों को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है, मतलब इवन पौड़ी में ही पता नहीं है काफ़ी सारे लोगों को इस जगह के बारे में, तो यार मतलब क्या बात करें इस जगह की। तो ये देख सकते हैं एक और बना हुआ है, और इसमें इसके आगे देखो स्नोफॉल। तो अभी हम सूखी जगह पर आ गए, और यहाँ से उस जगह को देख सकते हैं जिसको अभी हमने क्रॉस किया, बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ऑलमोस्ट हम फिर से चोटी पे पहुँच गए, यहाँ से चोटी लगना शुरू हो गया, तो वहाँ पर जाएंगे। और यहाँ से जिस पत्थर की बात मैं उस टाइम पर कर रहा था कि जहाँ पर भाई फ़ोटो खिंचाते स्पेशली लोग ना, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, बाहर के लोग तो बहुत ही कम आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से मतलब नज़दीक है, तो ऑलमोस्ट ये चोटी आ ही गई है। तो एक बार यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से हिमालय क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है, वो देखो आगे क्या चमक रहा है हिमालय। और ये वादियाँ देखो यार, वादियाँ मतलब इनका कोई जवाब नहीं है यार, मतलब मन करा कि आओ यहाँ खो जाओ। तो अगर जैसे अगर आप में से कोई लोग यहाँ पर आना चाहता है, तो हमारे साथ जो अभी गाइड का काम कर रहा है, यानी एसबी पहाड़ी का दोस्त, ठीक है बालम, मैं उसका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर उसका इंस्टाग्राम का डिटेल दे दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इस जगह के बारे में काफ़ी अच्छा पता है, लेकिन वो कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे, क्योंकि हर बार ही मतलब वही है ना कि टाइम निकाल के नहीं आया जा सकता ऐसा ना, कि वो थोड़ा बहुत चार्ज तो करेंगे। तो भाई यहाँ से
हिमालय दिखना शुरू हो गया। और राजधानी तो हमारी जो शीतकालीन राजधानी है वो देखो, तो क्या गुलाबी गुलाबी छतर है तेरी। और यहाँ से उस भाई सामने गैरसैंण दिखाई दे रहा है, और हिमालय देखो यार, हिमालय कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई। और आगे को देखो यार, मतलब भाई तो जन्नत में लेके आ गया। ठीक है, तो मैंने अपने उनको बोला है जो देख रहे हैं, ठीक है, कि जो यहाँ पे आना चाहता हो कांटेक्ट करेगा तेरे से। ठीक है, तो तुम क्या करना, जो अपना चार्ज है, जब कोई कांटेक्ट करेगा तुमसे तो अपना चार्ज उनको बता देना। ठीक है, कितना है, तो जितना भी वैसे कितने दिन लगेंगे यहाँ पे पूरा अच्छे से घूमने में? एक दिन, बालम तो लग ही जाएंगे। हाँ, दो दिन लग जाएंगे ना, अगर बालम घुमाएगा तो एक ही दिन में घुमाएगा। नहीं, मतलब अच्छे से घूमना है तो दो दिन घूमना है। यहाँ पर अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट है। अगर आप लोग इस जगह पर आना चाहते हैं तो मैं बालम का कॉन्टेक्ट नंबर भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ में इसका इंस्टाग्राम आईडी, तो आप जैसे भी हो, आप प्रेफर करते हो, आप वैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इस वादियों पे वही तो घर जाने का मन नहीं कर रहा है। बालम, बालम से कॉन्टेक्ट नहीं होता है तो मेरे से कर सकते हो, कर सकते हैं, उससे बात करवा दूंगा। हाँ, और उसे यहाँ पर इन जगहों के बारे में बहुत अच्छे से पता है भाई। तो भाई ये वादियाँ देखो भाई, वादियाँ क्या खूबसूरत है, और हिमालय दिख रहा बहुत ही खूबसूरत। तो भाई इस हसीन वादियों में कुछ मैंने पिक्चर क्लिक कर दी, आपको इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी पोस्ट पे देखने को मिल जाएंगी। और अब चलते हैं वहां पर आगे, जो कि बिल्कुल सामने आगे को दिखाई दे रहा भाई। अब तो मन कर रहा है कि यहीं रुक जाएं, अब घर नहीं जाना है अब। तो दोनों के दोनों पहुंच गए उस साइड में, पहुंचने वाले ऑलमोस्ट चोटी में। और मैं थोड़ा फोटो क्लिक कर रहा था यहाँ पे भाई, मतलब क्या यार, एक नंबर है भाई। और बालम से अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, यार मनाली कुल्लू आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, चौपता देखा होगा, लेकिन आपने ये जगह नहीं देखी है कभी, ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी है, और ये अनएक्सप्लोर प्लेसेस है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, और कुछ आपने वीडियो में देख दिया होगा कि कितनी खूबसूरत जगह है यार। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर बाद में क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पहुँचने का रास्ता बता दूंगा कि आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और गाइड के लिए तो बता ही दिया कि गाइड के लिए किसको प्रीफर करना है आपको, कि जिस बंदे को मतलब यहाँ पे अच्छे से पता हो, राइट, तो आप बालम से कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्नोफॉल यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो रखा है, और अब पाँव भी धस रहे हैं इसमें। तो भाई क्या बोले यार, मज़ा आ गया, मज़ा भाई। ये देखो, और जिस साइड से मैं आया उस साइड भी देखो कितना खूबसूरत है। ये देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने वॉलपेपर लगा रखा है यार, यहाँ पे कितना साफ है ना एनवायरनमेंट। तो अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे, ठीक है, और फिर ऊपर चोटी की तरफ में ही मिलता हूँ मैं आपसे। तब तक थोड़ा बहुत इधर के सिनेमैटिक्स देखो आप। बस भाई, चोटी में ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ, और क्या बात करूँ यार, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, ये तो बस दिखा सकता हूँ बस। तो यहाँ पर ये चोटी देख सकते हैं, वहाँ ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं, अभी हम वहीं जाएंगे फ़ोटो कैप्चर कराने के लिए। और जिस साइड से हम आए ना, इस तरफ देखो कितनी बढ़िया जगह है। और दोनों ऊपर चोटी में पहुँच गए, मैं भी पहुँचता हूँ ऊपर चोटी में, और वहां से दिखाता हूँ फिर कैसा है। अरे भाई, चोटी में पहुंच गया हूँ, और भाई अलग ही लेवल, भाई अलग ही लेवल। तो ये नीचे चौकी है, अभी दिखाते हैं, पहले बैग उतारता हूँ। तो भाई, जिसके लिए इतनी दूर से चल रहे थे, इतने देर से चल रहे थे, और कल से चल रहे थे, उस मंजिल पर पहुंच ही गए। यहाँ से बहुत ही सुंदर हिमालय दिखाई दे रहा है, इसी के साथ में वहाँ नीचे गैरसैंण दिखाई दे रही है, जो कि हमारे यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है, विंटर कैपिटल है बेसिकली, उसको भी दिखाएंगे। तो भाई पहले उस साइड में दिखाते हैं जिस साइड से हम आए हैं, और फिर दिखाएंगे उस साइड में जिस साइड में हमें दिखाना है आपको। तो ये देखो भाई क्या जगह है, मतलब ना, और आगे जो मैं नीचे से पत्थर दिखाए थे ना बहुत बड़े बड़े, वो उस साइड में है, वहाँ पर भी बड़ा ही खूबसूरत है, और वो भी एक ऊँची चोटी है यार। और उसके साथ में यहाँ से हिमालय देखो, जो आपको पीछे पूरा वाइट दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा हिमालय है। तो अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अच्छी बात यह है कि GoPro के जूम से ना वीडियो फटती नहीं है, मतलब एक तरीके से टेलीफोटो जैसे वीडियो क्वालिटी आती है उसी तरीके से आती है। तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको।
तो भाई यहाँ पर आने के बाद मैं दिल तो खुश हो ही गया, होपफुली आप सभी लोगों का हो गया होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में नीचे जाएंगे और नीचे से फिर ऊपर को, ये जो रास्ता आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है रोड से बनी हुई दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, तो वो बीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि पर जाता है और वहाँ पर थोड़ी सी एक झील भी है छोटी, जो कि पूरी की पूरी अभी के टाइम पर फ्रीज हो रखी है, जम रखी है। तो हम वहाँ से होके जाने वाले हैं और यहाँ पर देखोगे ना ये भी खरक बना रखे हैं, जैसे पीछे दिखे थे हमें वैसे यहाँ पर भी दिख रही है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया भाई। और व्यू पॉइंट पर जाना, फोटो क्लिक कराना है। चलो यहाँ पर वो है, वो वाला पत्थर है, पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा शायद, पेड़ के पीछे वो पत्थर, तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से फ़ोटो क्लिक कराएंगे भाई। और हिमालय तो दिखाई दिया है इसको, यार ऐसा लग रहा है कि जितना देखो उतना कम है, जितना देखो उतना कम है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था वहाँ नीचे है गैरसैंण, तो गैरसैंण भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो हमारी मतलब विंटर कैपिटल है, वहाँ पे हमारी शिफ्ट हो जाती है। तो भाई अब चोटी से नीचे उतर रहे हैं और नीचे को चलते हैं, और जो मैं जगह बता रहा था एक वहाँ पे झील भी है जो कि जम रखी है अभी के टाइम पे, फ्रीज हो रखा है, तो उसको भी दिखाते हैं वहाँ पे। और उधर को पत्थरों को देखो, पत्थर कितने बड़े बड़े हैं यार, बहुत बड़े बड़े। तो अब ऐसा करते हैं पहले नीचे चलते हैं और नीचे ही मिलते हैं आपसे ना। तो ये देखो जिस जगह को हम ऊपर से दिखा रहे थे ना आपको, वो नीचे से कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो भाई इन जगह को देखो, ये खरक बना रखे हैं यहाँ पे, खरक बना रखे हैं यहाँ पे, और काफी सारे बना रखे हैं यार, ऐसा नहीं कि मतलब 5-6 हैं या फिर 8-10 है, मतलब बहुत सारे बना रखे हैं, कुछ इस तरफ में है और कुछ यहाँ पर है, इसके पीछे भी हैं दरअसल बहुत सारे। तो हम जाते हैं उस साइड में, उस साइड से जा रहा है ऊपर को रास्ता। तो भाई अब पहुंच गए नीचे, और नीचे आने के बाद भी अलग ही सुकून है। अभी हम ऊपर चोटी में थे और वहाँ से आने में लगभग यहाँ पे 2 मिनट लगे नीचे। और यहाँ से ये वादियाँ देखो, कितने घने जंगल है यार यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं मैं ऊपर को, थोड़ा यहाँ पे फ्रीज वाली झील दिखाएंगे, और यहाँ पर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह में बना रखी है भाई। और स्नोफॉल तो देख ही सकते हैं यार, क्या हो गया भाई, सुस्ती आ गई क्या? चला नहीं जा रहे यार, घर की याद आ रही है। अच्छा, अगर घर वाले साथ में होते ना मजा आ जाता है। तो यहाँ पर रास्ता बना रखा है बेसिकली वहाँ तक ना, कोई नेता के लिए ना, ऐसे करके बड़ी आदमी के लिए मान ले, कौन करेगा, कर तो रखा है। हम तो बाद में जा रहे ना, तो मान जूते से ही है यार, बर्फ काट दे रहे हैं। कभी ऐसा करते हैं ऊपर चलते हैं, बस यहाँ पे वो जमी हुई झील भी आने वाली है, उसको दिखाएंगे और उसके बाद सीधा ऊपर को जाएंगे। तो भाई फाइनली पहुँच गए जमी हुई झील पे। तो यहाँ पर सामने देखना तो आपको पूरा का पूरा जमा हुआ दिखाई देगा, पूरी नहीं जमी है लेकिन जितनी भी जमी है भाई काफ़ी खूबसूरत है। ये देखोगे पूरा पानी है यहाँ पे, और ये काफ़ी सारा ना उस साइड में जम रखी है, देखो उस साइड में, इस साइड में। तो अगर ये देखो, ये देखो झील का एरिया भी देख सकते हैं, काफी बढ़िया जगह में। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ दिखाएंगे आपको कुछ और, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी जगह आने वाली है भाई आगे भी, तो बने रहना ठीक है। और यहाँ पर ना ऊपर जाने के लिए रास्ता भी बना रखा है, मुझे लगता है कि कोई इसलिए बना रखा है शायद कि ऊपर अगर कोई जाना चाहता है तो कोई भटके ना यहाँ से। फाइनली पहुंच चुके हैं कोदेबगड़ में, और यहाँ पर बीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि है। थोड़ा बहुत मैंने पहले ही बता दिया था इस ब्लॉग में ना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में, तो आपको वहाँ पर दिख रहा ना जो, वो उनकी समाधि है यहाँ पर। और इस एरिया को देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, है? अच्छा हेलीकॉप्टर उतरता है यहाँ पे, हाँ अच्छा
तो भाई जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम बीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर है समाधि बीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की, जिनको की पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने बेसिकली यहां पर यह बताया था कि मरने से पहले कि जब मैं प्रकृति की गोद में बसना चाहता हूं, तो अनफॉर्चुनेट वो प्रकृति की गोद में आ नहीं पाए, तो उनके लोगों ने यहां पर उनकी समाधि बना दी इस प्रकृति की गोद में। समाधि भी है यहाँ पर बाबा मोहनी उत्तराखंडी की, तो उनकी समाधि यहाँ पर है और बीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि यहाँ पर है। तो बेसिकली इसे जीरो पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तीन डिस्ट्रिक्ट मिलती हैं, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। उनका चौथान तो पट्टी हो गया ना, तो पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा तीन जिलों का ये केंद्र है। तो दरअसल तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा है कि रामगंगा, आटागाड़ और नयार नदी का उद्गम इन्हीं जगहों से कहीं पर से होता है और उसी के साथ में चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा का यह संगम है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो भाई इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पर तीन डिस्ट्रिक्ट का संगम भी होता है, यहाँ पर तीन डिस्ट्रिक्ट भी मिलती हैं और इसी को जीरो पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आप हिमालय का 180 डिग्री का पूरा हिमालय देख सकते हैं। तो भाई जगह बहुत ही बढ़िया है। मेन टारगेट था जो हमारा यहाँ पर पहुँचना था, आपको इस जगह को दिखाना था, वो हमने दिखा दिया आपको। तो अब हम क्या करेंगे, अभी प्लान बना रहे हैं कि आगे जाएं या फिर आज यहीं रुकें, तो वो थोड़ी देर में ही डिसाइड करेंगे। थोड़ा बहुत आपको इधर से दिखा देता हूँ, यहाँ से उस साइड में आप हिमालय तो देख ही सकते हैं। तो 180 डिग्री क्यों कहते हैं कि वहाँ से दिखेगा आपको हिमालय, ये पूरा का पूरा हिमालय रेंज दिखेगी और बिल्कुल यहाँ तक दिखेगा आपको हिमालय। तो इस बात से समझ सकते हैं, इसीलिए इसको जीरो पॉइंट बोला जाता है यहाँ पे। तो इसके बारे में हमेशा सुना ही था और आज देख भी लिया भाई इन दोनों भाइयों के बदौलत, ठीक है, जिन्होंने इतना किया कि यहाँ तक ले गए। तो अपने तो भाई गाइड लेट रखे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थकान लगी है ना। और हम सुबह ये लगाओ कि लगभग 9 बजे से हैं, 9 बजे से चल ही रहे हैं, 9 बजे से हम रेगुलर चल रहे हैं और अभी टाइम हो गया लगभग कितना हो गया, 2:30 बज गई है। तो इस बात से समझ सकते हैं कि कितने घंटे से हम रेगुलर चल रहे हैं। तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से जाना है कि यहीं पर रुकना है, वो थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। और आपको मेन टारगेट था जो आपको इस जगह को दिखाना था, इस व्यू पॉइंट को दिखाना था और आपके साथ में डिटेल भी शेयर कर ही दिया कि आप किस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नहीं ये नहीं किया, ये बताया कि आप यहाँ पर किसको लेकर पहुँच सकते हैं। तो भाई यहाँ पर पहुँचने का रास्ता क्या क्या है तू बता, पता है तुझे तुम्हारे वहाँ तक पहुँचने का? हमारे पहले मैं बताता हूँ, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से आप कोटद्वार आके, पौड़ी वाला नज़दीक है या फिर पाबो वाला नज़दीक है? पौड़ी वाला पाबो वाला है ना। तो आप क्या करना कि दिल्ली से कोटद्वार आना है जो कि 200 किलोमीटर के राउंड में, और कोटद्वार से सीधा आपको पाबो आना है, पाबो से सीधा थलीसन, हाँ, और पाबो से सीधा थलीसन और थलीसन से सीधा यहाँ ब्यासी आना आपको, ठीक है, से हमारे गाँव। हाँ, इनका गाँव का नाम क्या है? मरोड़ा। तो आप वहाँ पे पूछ के पहुँच सकते हैं यहाँ पे, फिर आप वहाँ से गाँव से लोकल गाइड ले सकते हैं या फिर बालम भाई को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि वो अच्छे से बता देंगे आपको, अच्छे से घुमा देंगे, उनको ना पूरा पता है। हाँ बिल्कुल, उनको पूरा पता है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करें क्योंकि मेन टारगेट यहाँ तक पहुँचने का था। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अपने साथ में SB पहाड़ी है, तो इसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट करें। और भाई के इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मैं इंस्टाग्राम की ID भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोशिश करूंगा कि इनका नंबर भी दे दूँ जिससे कि आप यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।